हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। तो मित्रों, कैसे आप सभी। तो इधर देखो मित्रों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को धातुएं हैं, धातुएं वो आयन जो बनाती हैं, आयन वो आयन कितने प्रकार के होते हैं, उन आयनों पर मैं डिस्कस करूँगा, आयन्स पर। और ये भी मैं बताऊंगा जो धातुएं होती हैं, कौन सी धातुएं अम्लीय होती हैं, कौन सी धातुएं तुम्हारे पास उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, कौन सी अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं तुम्हारे पास में, ठीक। तो ये चीज़ें डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अधातुएं, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण हमने डिस्कस किया था। अगर जो हमारे इस चैनल या वीडियो पर नए हैं, अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले पिछला वाला वीडियो देखिए, बाद में ये वाला वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बहुत मज़ा पढ़ने में बिल्कुल आएगा तुम्हारे पास। तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड वो दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो तुम्हारे पास अम्ली होते हैं, एक तो तुम्हारे पास उदासीन होते हैं। कैसे, उदासीन। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अम्ली ऑक्साइड जो तुम्हारे पास में होते हैं, अम्ली ऑक्साइड, वो तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और तुम्हारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड, और तुम्हारे पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये जो तुम्हारे पास में हुए, ये सब अम्ली ऑक्साइड होते हैं। कैसे, अम्ली ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। और जो उदासीन हमारे पास में होते हैं, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और तुम्हारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, और तुम्हारे पास जल। ये सब कैसे होते हैं, उदासीन। कैसे होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। उदासीन मतलब इनका पीएच मान जो होता है, इनका पीएच मान 7 होता है, और ये जो तुम्हारे पास अम्ली होते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। अगर जो क्षारीय होगा हमारे पास, तो उनका पीएच मान कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा, उनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। तो इतनी बात समझ में आई। अगर जो क्वेश्चन तुम्हारे पास में आ जाए कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्ली होते, क्षारीय होते, उदासीन होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अम्ली ऑक्साइड भी होते हैं और उदासीन ऑक्साइड भी होते हैं। जो अम्ली ऑक्साइड होते हैं वो इस टाइप के, उदासीन ऑक्साइड ये होते हैं तुम्हारे पास में, और जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो तुम्हारे पास क्षारीय होते हैं। आई बात समझ में। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन एक नंबर का बनता है तुम्हारे पास में। चलो अब बात कर लेते हैं आयन की। किसकी बात करते हैं, आयन की बात करते हैं। आयन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसकी डिफिनेशन क्या होती है। आयन, आयन ये तुम्हारे पास आयन्स क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशंस क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीजें जो होते हैं वो आयन्स तुम्हें बताएंगे, ठीक है। तो देखो, आयन का मतलब होता है जो परमाणुओं पर प्लस और माइनस उपस्थित होता है, उसे हम आयन कहते हैं। जो परमाणुओं पर कोई तत्व होगा, उस पर जो प्लस और माइनस उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जैसे परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग दिया जाए या तो ग्रहण किया जाए, या तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को या तो त्यागा जाए या तो ग्रहण किया जाए, और उन्हीं से जो आयन बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। प्राप्त, जो प्राप्त होता है उसे आयन कहते हैं। मतलब परमाणुओं द्वारा, डिफिनेशन, परमाणुओं द्वारा
इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या ग्रहण करना, त्याग करने पर या ग्रहण करने पर क्या प्राप्त होते हैं? आयन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? आयन प्राप्त होते हैं। देखो, परमाणुओं द्वारा, कोई भी परमाणु है, जैसे हमारे पास मान लो ये सोडियम है, इस पर एक प्लस है, अगर जो इसने त्याग दिया, चाहे ये त्याग करे, क्योंकि धनी है तो त्याग करेगा, क्लोरीन है ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ये ऋणी है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या ग्रहण करना, ग्रहण करने पर क्या प्राप्त होता है? आयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयन प्राप्त होता है। इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है? भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब टाइप आते हैं इसके, आयन्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास आयन होता है वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो हमारे पास धनात्मक, एक ऋणात्मक। एक हमारे पास में कैसा? ऋणात्मक होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। हमारे पास में आई बात इतनी समझ में? धनात्मक मतलब जिस पर हमारे पास पॉजिटिव लगा होगा वो धनात्मक, और ऋणात्मक का मतलब होता है जिस पर हमारे पास में ऋण चिन्ह लगा होगा वो ऋणात्मक आयन होता है। आई बात समझ में? अच्छा, धनात्मक मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऋणात्मक मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जो धनात्मक होगा मतलब धनी है, वो किसी को पैसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऋणात्मक मतलब ऋणी, वो सबको इलेक्ट्रॉन पैसे सबसे ग्रहण करेगा, लेगा नहीं, क्योंकि वो ऋणी है। इसका मतलब धनात्मक जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉनों को देता है या त्याग करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉनों को देता है या त्याग करता है क्या कहलाता है? धनात्मक आयन कहलाता है। क्या? धनात्मक आयन। और ये क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या कहलाता है? ऋणात्मक आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणात्मक आयन कहलाता है। जैसे, अच्छा फॉर दैट एग्जाम्पल, जैसे सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग किया, तो क्या बन गया? Na प्लस बन गया हमारे पास में। और ये क्या है? यही हमारे पास हो गया सोडियम। पहले हमारे पास खाली था सोडियम, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया हमारे पास। आई बात समझ में? क्या बन गया? सोडियम आयन, वो भी कैसा? धनात्मक बन गया हमारे पास, ये धनात्मक। अच्छा, इसमें तुम्हारे पास क्लोरीन, इसमें सीएल ले लें, माइनस सीएल मान लो, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बन गया? सीएल माइनस बन गया हमारे पास में। क्या बन गया? सीएल माइनस बन गया। पहले हमारे पास में क्या था? पहले हमारे पास था क्लोराइड। अब हमारे पास क्या बन गया? क्लोराइड आयन बन गया। और ये कैसा हमारे पास में हो गया? ये ऋणात्मक हो गया। कैसा हो गया? ऋणात्मक। ये वाला चिन्ह लगेगा तब हमारे पास में क्या होगा? धनात्मक। ये वाला चिन्ह लगेगा तब हमारे पास क्या होगा? ऋणात्मक। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इतना याद रखना। ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। आ गई बात इतनी समझ में?
अब कंडीशंस कुछ हमारे पास में हैं आयन की, कुछ कंडीशन आयन की हैं जो तुम्हें फॉलो करानी पड़ेंगी, बहुत ही बढ़िया तुम्हारे पास में हैं आयन की कंडीशंस, बहुत ही बढ़िया तुम्हारे पास में हैं। देखो इधर बता दूं, इधर देखो कंडीशंस तुम्हारे पास में हैं। पहली जो कंडीशन तुम्हारे पास में वो भी धनात्मक आयन की जो है, इसमें परमाणुओं के बाह्यतम कोष में, इसमें परमाणु के बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे या तो तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होने पर, होने पर क्या करेगा? त्याग करेगा, त्याग करेगा। मतलब अगर जो तीन तक इलेक्ट्रॉन किसी के बाह्यतम कोष में हैं किसी परमाणु के, तो वह इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा? त्याग कर देगा, क्योंकि अष्टक बनाने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब किसी के पास तीन ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई हमें पांच इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना देगा। हमको आठ बनाना, अगर जो हमारे पास पांच होते तो हम किसी से तीन रुपया उधार मांग सकते थे। अगर जो हमारे पास तीन ही है तो पांच रुपया थोड़ी ना हम मांग लेंगे। जो पांच होगा वो कहेगा भैया हमें तीन रुपया तुम दे दो, हम अपना काम पूरा कर लें, तुम्हें ज्यादा पैसों की आवश्यकता है, हमें कम पैसों की आवश्यकता है, ऐसे। अब दूसरा जो केस तुम्हारे पास में है, दूसरा देखो, अगर जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या? एक धन, एक प्लस, एक प्लस तुम्हारे पास में क्या होता है? एक प्लस चार्ज लगता है। अगर जो दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास में त्यागेगा तब तुम्हारे पास डबल चार्ज लगेगा, अगर जो तीन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ट्रिपल चार्ज लगेगा तुम्हारे पास में। आ गई समझ में? अगर जो कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तो उस पर एक, देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक लग गया। अगर जो दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दो लगेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो तीन प्लस के लगेंगे। आ गई बात समझ में? इतनी आ गई बात? नहीं आ गई? जैसे, अच्छा तुमको अभी बता रहा हूं जैसे। हाँ जैसे इधर देख लो, जैसे सोडियम हमारे पास था, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, क्या बन गया हमारे पास? Na प्लस बन गया, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। इधर देखो सोडियम कितने होते हैं? 11, तो सोडियम तुम्हारे पास कितना बन जाएगा? दो आठ एक बनेगा, नहीं बनेगा? दो आठ एक बना तुम्हारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बनेगा? एक पॉजिटिव, तो वही एक पॉजिटिव लगा, लगा नहीं लगा? एक पॉजिटिव लगा। मैग्नीशियम तुम्हारे पास में है, इसने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, क्या बन गया तुम्हारे पास? Mg डबल प्लस। अच्छा कैसे बना ये भी तुमको यहीं पे बता देता हूं। Mg था, 12 इलेक्ट्रॉन थे, दो आठ दो तुम्हारे पास में, आठ दो दस दो 12, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा? त्याग कर देगा, तो वही क्या बन गया? डबल प्लस बन गया। एल्युमिनियम तुम्हारे पास में क्या करेगा? 13 होते हैं, दो आठ तीन, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? तीन, क्योंकि इसके लास्ट वाले सेल में कितने हैं? तीन इलेक्ट्रॉन है, तो एल्युमिनियम पर क्या लग जाएगा? ट्रिपल प्लस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ट्रिपल प्लस। इतनी बात आई समझ में? ऐसे दूसरा इसमें तुम्हारे पास, इसमें कंडीशन अच्छा क्या है, इसमें कंडीशंस क्या? इसमें है बिल्कुल सेम वही तुम्हारे पास, इसमें परमाणु के बाह्यतम कोष में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होने पर त्याग करता है। इसमें, इसमें तुम्हारे पास, इसमें परमाणु के बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? या तो पांच या तो छह या तो सात इलेक्ट्रॉन होने पर, होने पर क्या करेगा? होने पर ग्रहण करता है, ग्रहण करता है किसका? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में अगर जो पांच इलेक्ट्रॉन होंगे, छह इलेक्ट्रॉन होंगे, सात इलेक्ट्रॉन, तो ये दान नहीं करेगा,
ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन, कहेगा भैया हमको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हमको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास कुछ ही इलेक्ट्रॉन कम है अष्टक पूरा करने के लिए, तुम्हारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो तुमको नहीं मिल सकते, इसे अपने इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए और हम अपना अष्टक पूरा कर लें। आई बात समझ में? तो इसमें तुम्हारे पास क्या कंडीशन बनती है, पहली अगर जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तुम्हारे पास में, तो अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितने कर सकते हैं, पांच अगर जो हैं तो तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, छह अगर जो है तो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, अगर जो सात है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। आई बात समझ में? अगर जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने पर क्या बनता है, एक माइनस चार्ज लगेगा। अगर जो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे हम तो हमारे पास डबल माइनस लगेगा, अगर हम तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ट्रिपल माइनस हमारे पास लगेगा, ट्रिपल माइनस लगेगा हमारे पास में। आई बात इतनी समझ में? फॉर दैट एग्जांपल इधर देखिए, जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस पर कितना लग गया, एक माइनस का लगा हमारे पास। क्यों लगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो आठ सात, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और किसी से ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन और किसी से ग्रहण कर लिया, क्या बन गया, दो आठ और आठ बन गया हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसका अष्टक हो गया पूरा क्योंकि इसके अष्टक में एक इलेक्ट्रॉन था कम बाह्यतम कोश में, इसीलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और बन गया हमारे पास में दो आठ आठ बन गया। आई बात इतनी समझ में? ऑक्सीजन के पास, तुम्हारे पास ऑक्सीजन के पास कितना होता है, दो आठ, वो सॉरी तो हाँ तुम्हारे पास कितना होता है, दो और छः, तुम्हारे पास में इतना होता है, छः दो आठ होता है, इसके बाह्यतम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया और बना दिया O2 माइनस, तब ये तुम्हारे पास क्या बन गया, दो कामा छः, वो सॉरी दो कामा आठ, क्यों, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, वही तुम्हारे पास क्या बन गया, आठ बन गया, इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया तुम्हारे पास में। तो क्या लग गया, डबल माइनस, सिंगल माइनस, डबल माइनस, ट्रिपल माइनस भी इसी तरीके से लग सकता है तुम्हारे पास में। आई बात इतनी समझ में? तो ये तुम्हारे पास जैसे बन गया, ये तुम्हारे पास क्या था, अस्थाई, अस्थाई तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, और ये तुम्हारे पास क्या बन गया, स्थाई इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, बिल्कुल सेम ऐसे इसमें अस्थाई इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, ये तुम्हारे पास में स्थाई इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, आई बात इतनी समझ में? तो ये तुम्हारे पास बात हुई आयन की, तुम्हारे पास काहे की बात हुई, आयन की बात तुम्हारे पास में। आयन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो धनात्मक एक तो ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनात्मक, और जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है वो ऋणात्मक तुम्हारे पास में। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इस पे प्लस चार्ज लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उस पे माइनस चार्ज लगेगा, इतना याद रखना तुम्हारे पास। तो आई होप बिल्कुल आप लोग इतनी बात समझ पाए होंगे, क्योंकि ये कंडीशंस याद रखना, इनकी कंडीशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कंडीशन तुमको समझ में आ गई तो समझ लो तुम्हारे पास रिएक्शन यहीं से बनेगी, यहीं से तुमको पता चलेगा कि जैसे हमारे पास सोडियम है तो NaCl क्यों लिखा जाता है, तुम्हारे पास MgCl2 क्यों लिखा जाता है, तुम्हारे पास H2SO4 ये कैसे लिखा जाता है, यही आयंस से ही तुमको पता चलेगा। कोई भी यौगिक अगर जो बनेगा तो आयन से ही यौगिक बनता है, बैलेंसी उसकी आयन से ही होती है, धनात्मक और ऋणात्मक से ही पता चलेगा, क्योंकि Na पर एक प्लस, Cl पर एक माइनस, Mg पर डबल प्लस, Cl पर इसीलिए डबल माइनस, H पर डबल प्लस, इसीलिए SO4 डबल माइनस, बैलेंसी सेम होनी चाहिए। अगर जो बैलेंसी सेम नहीं है तो समझ लो यौगिक नहीं बनेगा। आप लोग तो वैसे बहुत ही बुद्धिमान हैं,
आप लोग तो बिल्कुल समझ गए होंगे, चलो नहीं समझे कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से बताए दे रहा हूँ। जो आयन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक एक तो ऋणात्मक। तुम्हारे पास जो धनात्मक होता है वो धनी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, जो ऋणात्मक होता है वो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा। इसमें सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग किया तो इस पर प्लस लग गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या लग गया, माइनस लग गया। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या ग्रहण करने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जब परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है या तो ग्रहण किया जाता है, तब हमें जो चीज प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तुम्हारे पास में संख्या भिन्न भिन्न होती है, याद रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बात हुई आयन की। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आई होप बिल्कुल आप लोग समझ पाए होंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में आप लोग बिल्कुल बताएं, सर ये वीडियो हमें अच्छा लगा, तो हम और भी मेहनत के साथ में ये आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आप लोगों का नोटिफिकेशन जो होगा हमारे वीडियो की सबसे पहले आपको मिलेगी और आप वीडियो हमारा सबसे पहले देख पाएंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जी आई टेक क्लासेस, कर विजय जी आई टेक क्लासेस।